ओके ये देखो जो मिल्क वाला सैंपल था वो थोड़ा सा येलोइश हो गया है, ग्रीन से येलोइश हो गया है. कैन यू सी, नाम भी देखते जाओ. मिल्क, दिस इज शुगर केन, दिस इज ग्लूकोज, दिस इज डायबिटिक पेशेंट, दिस इज नॉन डायबिटिक पेशेंट. ओके सो आज हम कौन सा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, हम लोग बेनेडिक्स टेस्ट करने जा रहे हैं. बेनेडिक्स टेस्ट बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में हमने देखा है क्यों किया जाता है. सबसे पहली बात तो बेनेडिक्स टेस्ट होता क्या है, व्हाट इज बेनेडिक्स टेस्ट या व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर. सुनो पहले रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है हम ये देखेंगे. रिड्यूसिंग शुगर बेसिकली क्या होता है, ऐसा शुगर जिसमें क्या होता है अपना फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है. कौन सा ग्रुप होता है, फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप. एल्डिहाइड ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO, और कीटोन का C डबल बॉन्ड हो. तो रिड्यूसिंग शुगर यानी कि जिसके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है, हम बेनेडिक्स रिएजेंट यूज करते हैं. बेनेडिक्स रिएजेंट में अलग अलग केमिकल कंपोनेंट है, कॉपर सल्फेट एक्सेट्रा. तो बेनेडिक्स रिएजेंट से क्या हमको पता चलेगा कि अगर आपका रिड्यूसिंग शुगर आपने यूज किया है, जो भी आपने अननोन शुगर सैंपल यूज किया है, आपने अननोन शुगर सैंपल यूज किया है और आपको चेक करना है इसमें ग्लूकोज है कि नहीं है, तो अननोन शुगर सैंपल में ग्लूकोज का प्रेजेंस चेक करने के लिए हम बेनेडिक्स रिएजेंट यूज करते हैं. बेनेडिक्स रिएजेंट से हमको अगर ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिला, कैसा प्रेसिपिटेट, ब्रिक रेड कलर, एकदम एक डार्क ब्राउन कलर का अगर हमको रिएक्शन मिला, यानी कि वो शुगर रिड्यूसिंग शुगर है. अगर डार्क रेड कलर का प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा है, थोड़ा लाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा है जैसे ग्रीन, येल्लो, ऑरेंज, तो यानी कि वो 100% ग्लूकोज नहीं है उसमें, उसमें थोड़ा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट है. ठीक है, सो ये हमने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ा है बेनेडिक्स टेस्ट के बारे में, इसीलिए हम वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख रहे हैं. बेसिकली बेनेडिक्स टेस्ट करने के लिए हम फेलिंग सोल्यूशन भी यूज करते हैं. कौन सा सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन, FELINGS, फेलिंग सोल्यूशन. ठीक है, सो यस लेट्स स्टार्ट. हम पांच सैंपल एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं. पांच सैंपल कौन से हमारे, सबसे पहले यूरिन सैंपल एक डायबिटीज पेशेंट का, फिर यूरिन सैंपल एक नॉन डायबिटीज पेशेंट का. क्यों मैंने यूरिन सैंपल लिया डायबिटीज पेशेंट का, क्योंकि जब आपका ब्लड में 90 mg/100 ml से ज़्यादा ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, यानी कि अवर पैनक्रियाज आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, येस और नो, यानी इंसुलिन की कमी हो रही है, येस और नो. सो डायबिटीज पेशेंट क्या होता है, जिसका ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, इंसुलिन काम करना कम कर देता है, तो उनके यूरिन में किडनी प्रॉपर ग्लूकोज फिल्टर नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से यूरिन में ग्लूकोज बाहर निकल रहा है. बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा कचरा है वो बाहर निकल रहा है, तो ग्लूकोज एक्स्ट्रा हो गया है इसीलिए वो बॉडी के बाहर जा रहा है. तो यूरिन में अगर ग्लूकोज मिला, मतलब दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलिटस. अगर यूरिन में ग्लूकोज नहीं है, मतलब द पर्सन इज नॉर्मल, ही इज़ हेल्दी और शी इज़ हेल्दी. तो हम दो सैंपल लेने वाले हैं यूरिन का, डायबिटिक एंड नॉन डायबिटिक पेशेंट्स का. हम लेने वाले हैं अपना ग्लूकोज सोल्यूशन, प्योर ग्लूकोज सोल्यूशन, जो ग्लूकॉन डी पाउडर आप पीते हो उसका सोल्यूशन हम लेने वाले हैं, ताकि अपने को एक कंट्रोल यानी 100% रिजल्ट कैसे आता है वो देखने को मिले, ब्रिक रेड कलर कैसा दिखता है वो देखने को मिले. और चौथा सोल्यूशन हम लेने वाले हैं लैक्टोज का, क्योंकि लैक्टोज एक ऐसा डाइसैकेराइड है जो किससे बना है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से. और पांचवा हम लेने वाले सुक्रोज, जो कि हमने केन शुगर यानी गन्ने से लिया है जूस, उस वो कौन से दो मोनोसैकेराइड से बना है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज से. यस, तो अभी बेसिकली हमको थ्योरी में दिया गया है कि सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो हम जब सुक्रोज को टेस्ट करेंगे या लैक्टोज को टेस्ट करेंगे तो हमको एकदम रेड कलर का प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, लेकिन हमको येलो और ऑरेंज कलर के बीच का प्रेसिपिटेट मिलना चाहिए. अब वो कैसा मिलता है वो हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देखेंगे. और क्यों मिलना चाहिए ये येलो या ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट, क्योंकि भले ही वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है बट उसमें ग्लूकोज है, येस और नो. लैक्टोज में भी ग्लूकोज है, सुक्रोज में भी ग्लूकोज है, तो हल्का सा ट्रेसेस हमको दिखाई देना चाहिए. सो आर वी ऑल रेडी, ओके लेट्स स्टार्ट. ब्लू फ्लेम में हमको बर्न करना चाहिए, बट ठीक है, पीछे का भी फैन बंद कर दो. सबसे पहले हम ले रहे हैं नॉन डायबिटिक पेशेंट का यूरिन सैंपल. ओके, कौन सा सैंपल लिया हमने सबसे पहले, नॉन डायबिटिक पेशेंट का यूरिन सैंपल. ओके, जितना अपना सैंपल है उतने ही अमाउंट का बेनेडिक्स रिएजेंट मैं ऐड कर रही हूँ. We'll hold it with a test tube holder. अभी इसका कलर कौन सा है, इट्स प्योर ब्लू. ओके, देखो प्रॉपर ब्लू कलर है, व्हाइट कलर के बैकग्राउंड में देखो, यू विल बी एबल टू सी. ओके, सो लेट्स हीट इट.
इसको मैं कितना भी हीट करूँ ये अपना कलर चेंज नहीं करेगा, ठीक है। वो हम येलो फ्लेम यूज़ कर रहे हैं इसलिए ब्लैक स्मोक नीचे स्टिक हो रहा है। दिखाई दिया एनी कलर चेंज? थोड़ा और आपकी तसल्ली के लिए इसको हीट कर देते हैं, वो गर्म हो चुका है काफ़ी। एनीबडी वॉन्ट्स टू सी वेदर द ट्यूब इज हॉट और नॉट? ठीक है, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। तसल्ली नहीं है तो हम एक बार डायबिटिक पेशेंट का यूरिन सैंपल टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। सो आई एम जस्ट कीपिंग इट बैक। ओके, नाउ वी आर टेकिंग विच सैंपल? यूरिन सैंपल ऑफ अ डायबिटिक पेशेंट, ठीक है। ऑल राइट, ओके, आई जस्ट एड बेनेडिक्ट रिएजेंट इन इट। If you can see, आपको दो लेयर देखते हुए दिखाई देगी, ऊपर हल्की सी येलोइश और नीचे ब्लू कलर। कैन यू सी? एकदम हल्का सा ट्रेसेस दिखाई देगा अगर दिख रहा है तो, ठीक है। इसलिए ब्लू फ्लेम में बर्न करना होता है, कलर चेंज होगा तो भी वो ब्लैक की वजह से जल्दी पता नहीं चलता। कैन यू ऑल सी दिस लाइट कलर चेंज? इट विल चेंज मोर वेट, येलो हो रहा है। बलबला आया, अभी इससे ज़्यादा गर्म करूँगी तो वो बाहर आ जाएगा। यस, कलर चेंज हुआ। सो नॉन डायबिटिक पेशेंट एंड डायबिटिक पेशेंट, कैन यू सी द डिफरेंस? नाउ टेस्ट फॉर द प्योर ग्लूकोज। Now we are going to take what? Pure glucose solution. Okay? Yes. वो अपना ग्लूकॉन डी वाला पाउडर दिखाई दे रहा है, कलर चेंज हो रहा है हल्का हल्का। रुको, येलो इश हुआ है अभी, ऑरेंज इश हुआ, हल्का ऑरेंज से डार्क है, यूरिन सैंपल से डार्क है। जस्ट वेट, डिफरेंस है प्योर ग्लूकोज और इसमें। yes. थोड़ा सा और इसको हीट करते हैं। हाँ, फ्रूटी किसको पीने का था उसको इधर खड़ा करती और उसके मुख्य साइड। ठीक है, अपने मुंबई का ईंट इसी कलर का दिखता है। ओके, मिलावटी ईंट है। We'll compare for the other coloration and this is the maximum color that we'll get for the glucose. Okay, so three sample हमने किए, now we are taking fourth sample which is our sugar cane juice. कौन सा ले रहे हैं हम? हल्का सा, ये पहले से ही येलोइश है, ठीक है। ओके, यस, ऑल राइट, सो लेट मी एड बेनेडिक्ट रिएजेंट। ये तो पहले ही ग्रीन हो गया क्योंकि ब्लू और येलो मिलके हमको पहले ग्रीन कलरेशन देता है, पढ़ा है ना कलर स्कीम। अब बोलो पालक जूस है। विच कलर कैन यू सी? पहले भी ग्रीन था बट अब हल्का सा मिल्की ग्रीन है। कैन यू सी दैट? मिल्की ग्रीन यानी गाढ़ा ग्रीन। पहले ट्रांसपेरेंट ग्रीन था बट अब थोड़ा सा वो कोलोइडल, कल हमने पढ़ा था ना कोलोइडल सस्पेंशन, बायो में जब आप पोटैटो उबालते हो तो पानी कैसा हो जाता है? स्टिकी स्टिकी और थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा, पढ़ा था कि नहीं? yes. We'll heat it for 2-3 more seconds और जो भी होगा वो final result है अपना। बस अभी इससे ज़्यादा उबालूंगी बाहर आ जाएगा। Yes? Can you see the difference? Yes. This is glucose, this is sugar cane juice. Okay? मैंने बोला था ना येलो और ऑरेंज के बीच का precipitate आएगा। गलती से हाथ में नहीं पकड़ लेने का ट्यूब, आत्मा तृप्त हो जाएगी तुम्हारी। एंड नाउ वी आर टेकिंग व्हाट? मिल्क सैंपल, लैक्टोज शुगर, ठीक है। अभी मुझे बोलना मत मिल्क अडल्टरेटेड निकला तो आई कांट डू एनीथिंग। मैं ब्रांड का नाम नहीं ले रही हूँ बट स्टिल शूश, ठीक है। हल्का सा ब्लूइश हुआ है, क्वाइट क्वाइट।
हाँ आई विल गिव दिस टू यू पीपल ओनली, जिसको जिसको पीना है हैव इट एंजॉय. कौन सा कलर आना चाहिए इसमें आइडियली? ब्लूइश वाइट दिख रहा है, आना कौन सा चाहिए? रेनबो कलर कैसा आएगा? कभी भी ट्यूब को सीधा रख के नहीं गर्म करने का. मिलावटी दूध है, शक्कर नहीं है इसमें. कौन बोलता है एनर्जी मिलती है. बाद में बताया मैंने स्टार्टिंग में, मैं वापस नहीं नाम लेने वाली. देखो बुलबुले आ रहे हैं, बस आया हल्का सा ग्रीनिश कलर हुआ है. रुको, पहले कैसा था? एकदम प्रॉपर वाइट था, ब्लूइश वाइट था, हल्का सा भी नहीं, अभी थोड़ा सा ग्रीनिश टिंच, मतलब होता है ना ऐसे नहाने के बाद जो होली का कलर छूट जाता है अपने मुंह पे, वैसा दिखाई दे रहा है. क्या बोल रहा है? दिख रहा है हल्का सा ग्रीनिश? yes. नहीं दिख रहा, कलर ब्लाइंड का टेस्ट कराओ. ये देखो दिख रहा है? yes. फट गया है दूध. वेट, पहले के मुकाबले द कलर हैज चेंज्ड प्रीटी मच. यस इट हैज चेंज्ड. ट्रेसेस बोला था ना वैसे भी हमने, थोड़ा सा शायद मैंने रिएजेंट कम डाला इसमें. ओके सो डन. ओके 1 मिनट. इसीलिए लैब में कभी भी येलो फ्लेम में कुछ गर्म मत करना जब केमिस्ट्री प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा. ये कौन सा सैंपल था अपना? शुगर केन. ठीक है, ये है अपना ग्लूकोज शुगर. इसका प्रेसिपिटेट नीचे बैठ गया है. प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है? जो नीचे जम जाता है, थिक पार्टिकल. ओके, दिस इज अवर ग्लूकोज. पीपीटी, पीपीटी मीन्स पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं. ये देखो डायबिटिक पेशेंट, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है. यूरिन सैंपल है, भूलो मत, ब्लड सैंपल नहीं है. इमेजिन तो कम से कम. ये है प्रॉपर एक्चुअली ब्रिक रेड ईंट के कलर का, और ये नॉन डायबिटिक पर्सन. कैन यू ऑल सी द कलर चेंज? एक मिनट, 1 सेकेंड, आई पास दिस टू योर टेबल. यस ओके. ये देखो जो मिल्क वाला सैंपल था वो थोड़ा सा येल्लोइश हो गया है, ग्रीन से येल्लोइश हो गया है. कैन यू सी? नाम भी देखते जाओ. मिल्क, दिस इज शुगर केन, दिस इज ग्लूकोज, दिस इज डायबिटिक पेशेंट, दिस इज नॉन डायबिटिक पेशेंट. कैन यू सी बॉयज? कैन यू सी? नो वन इज कलर ब्लाइंड? पक्का? सो क्या कंक्लूजन किया? कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है इसमें? सबसे पहली बात तो दिस पर्सन, डायबिटिक पर्सन, हैज अ लॉट ऑफ रिड्यूसिंग शुगर इन देयर यूरिन. सेकेंड, ग्लूकोज अपना रिड्यूसिंग शुगर है. एंड शुगर केन और लैक्टोज जूस में क्या प्रेजेंट है? कलर मैच करो, ये येल्लो है. मिल्क वाला कौन सा सैंपल है? येल्लो, देखो पूरा येल्लो है. सो इट हैज व्हाट? ट्रेसेस ऑफ ग्लूकोज, मॉडरेट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज. ये येल्लो और ऑरेंज के बीच का है, यानी कि मॉडरेट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज. अपना जो ग्लूकोज है इट इज शोइंग रेड कलरेशन, ऑरेंज से थोड़ा सा डार्किश दिखाई देना चाहिए. ये इट इज शोइंग व्हाट? रेड कलरेशन. सो इट इज, इट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज बिकॉज वी हैव टेकन प्योर ग्लूकोज. डायबिटिक पेशेंट इज ऑल्सो हैविंग व्हाट? रेड, ब्रिक रेड, ब्राउनिश कलर का प्रेसिपिटेट. सो दिस पर्सन ऑल्सो हैज, सॉरी आई मीन दिस सैम्पल ऑल्सो हैज हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज. और जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है
नो कलर चेंज, क्या दिखाई दे रहा है इसमें? कलर बदला है आदित्य? नहीं बदला है। क्या पता चलता है इससे? सैंपल तो इसमें भी था ना, यूरिन सैंपल इसमें भी था और मैंने इसमें सिर्फ रिएजेंट डाला, तो क्या दिखाई दे रहा है इससे? द पर्सन डज नॉट हैज यूरिन इन इट, सॉरी द पर्सन डज नॉट हैज ग्लूकोज इन इट्स यूरिन, उनके यूरिन में ग्लूकोज नहीं है, मतलब डायबिटीज नहीं है, मतलब शुगर लेवल बराबर है, मतलब इंसुलिन अच्छे से काम कर रहा है, मतलब पैनक्रियाज हेल्दी है और किडनी हेल्दी है। सो इज दिस क्लियर एवरीबडी? व्हाट डिड वी डू? बेनेडिक्ट्स टेस्ट।